आज मैं आपको मटन मसाला करी की ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो घंटों भर की झंझट से आसानी से इस रेसिपी को बना सकते हैं। और मटन की ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और यहाँ आप देखेंगे कि मटन कितना सॉफ्ट है, तो इसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 kg फ्रेश मटन लिया है और इसे मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। और मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया है। मटन बनाने के लिए हमेशा भारी तले के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो मटन एकदम बेस्ट बनेगा। तो मैंने यहाँ पे कुकर में सरसों का तेल डाला है। मैं नॉनवेज बनाने के लिए सरसों तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें 1-2 तेज़पत्ता और 1 छोटा चम्मच जीरा डालें और जीरा को हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक पकने दें। तो अब जीरा अच्छे से क्रैक हो गया है, तो अब हम इसमें प्याज डालेंगे। तो मैंने यहाँ 1 kg मटन के लिए 400 ग्राम प्याज को पतले स्लाइस में काट लिया था। और प्याज को डालकर अब अच्छे से मिक्स कर दें और इसे एक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएं। प्याज को थोड़ी देर के लिए कवर करके पकाएं, जिससे प्याज अच्छे से गल जाएगा और जलेगा भी नहीं। मीडियम फ्लेम पे प्याज को अच्छे से पकाएं और इसे बीच बीच में स्टर करते रहें। और प्याज अब यहाँ गल गया है, अच्छे से पक गया है, तो इस बात का ध्यान रखें कि प्याज को हमें गलाना नहीं है। हाई फ्लेम पे तेज करके जल जाएगा तो फिर सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। प्याज जब अच्छे से पक जाए तो इसमें धुला हुआ मटन डालें। और अब हमें मटन को अच्छे से भूनना है, तो मटन डालने के बाद इसे स्टर करते रहें। और अब गैस का फ्लेम हाई कर दें। मटन को हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए चलाते हुए भूनें। मटन को इस टाइम पे हाई फ्लेम पे भूने, जिससे जो भी पानी रिलीज़ होगा वो सूख जाएगा और धीरे धीरे मटन का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। और अब यहाँ मटन 4 से 5 मिनट तक के लिए भुन गया है। आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है, पहले पिंक था और अब वाइट हो गया है। तो मटन को अभी हमें इतना ही भूनना है और अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ मसालों में 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और यहाँ सूखे मसाले में 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिससे मसाले अच्छे से भुन जाए और मसाले जलेंगे नहीं। तो अब हमने मसाले का पेस्ट तैयार कर लिया है, अब हम इसे मटन में डालेंगे। मटन अच्छे से भुन गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही में हमने जो मसाला तैयार किया था पेस्ट बनाकर वो मटन में डाल देंगे। और अब मसालों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर दें। और अब जिसमें मैंने मसाले का पेस्ट बनाया था उससे थोड़ा पानी डाल देंगे, जिससे मसाले अच्छे से मिल जाए। और अब मीडियम फ्लेम पे मटन को अच्छे से भूनेंगे मसालों के साथ। और मसालों को थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, जिससे मसाले अच्छे से भुन जाए। और अब मसालों को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भूने, जब तक कि मसाले अच्छे से पक ना जाए और मसालों की खुशबू ना आने लगे। और आप यहाँ देखेंगे मसाले भूनना शुरू हो गया है, हमें और मसालों को भूनना है और हमें इसे चलाते हुए अच्छे से भूनना है, जिससे मसाले और मटन दोनों अच्छे से भून जाए। और अब आप यहाँ देखेंगे कि मसालों का कलर चेंज हो गया है, मसाले अच्छे से भुन गया है, मसालों के साथ मटन भी अच्छे से भुन गया है। मसालों को भूनने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। मसालों को लो मीडियम फ्लेम पे भूनें। और अब मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मसाले एकदम अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच गर्म मसाला डालेंगे और साथ ही मैं इसमें 2 चम्मच मटन मसाला डाल रही हूँ। तो मीट मसाला हमने इसमें 2 चम्मच डाला है। मटन में ये मसाले ज़रूर डालें, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब हम इन मसालों को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब मटन के साथ साथ सभी मसाले अच्छे तरीके से भुन गया है, लेकिन मटन अभी अच्छे से पका नहीं है, सॉफ्ट नहीं हुआ है। तो मटन को पकाने के लिए अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ 2 ग्लास पानी डाला है ग्रेवी के लिए। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको ग्रेवी पतली रखनी है तो 1/2 ग्लास पानी और डाल दें, या फिर ग्रेवी कम चाहिए तो आप थोड़ा कम पानी डालें। इस तरह से आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन बंद कर दें और 3 से 4 विसल आने दें।
और फिर 3 से 4 सीटी लगने के बाद इसे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और उसके बाद 10 मिनट के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और कुकर को ठंडा होने दें। कुकर का सारा प्रेशर निकल जाएगा। उसके बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे और फिर कुकर का ढक्कन खोलने के बाद इसका जब लुक देखेंगे कितना अमेजिंग लग रहा है। इसे देखते ही मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। तो मटन यहाँ अच्छे से पक गया है, तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक पीस को निकाल कर इसे प्रेस करके चेक कर ले। तो यहाँ मटन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। ग्रेवी की थिकनेस एकदम सही है। तो अब हमारा मटन मसाला करी बन करके रेडी है। आप इसे चावल या रोटी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और आप इस मटन को रोटी या फिर चावल किसी के भी साथ खाएं, एकदम मज़ेदार लगेगी और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और मैं यहाँ आपको एक पीस तोड़ कर भी दिखा रही हूँ। मटन बहुत अच्छे से पक गया है, सॉफ्ट हो गया है और इसका टेक्सचर भी बहुत ही बढ़िया है। मटन की इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और भी ऐसी मज़ेदार रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इंजॉय करें।